पठान की सक्सेस के बाद सिद्धार्थ आनंद फिर से हमारे सामने पेश है फिल्म फाइटर लेकर। 24 जनवरी 2024 को ये फिल्म आ रही है। सिद्धार्थ आनंद एक ऐसा नाम जो एक्शन पैक फिल्में बनाने में माहिर है और फेमस भी है। लास्ट फिल्म पठान आप सबने देखी है। अब प्रेशर ये था कि भाई पठान तो दे दी, लेकिन भाई अगली फाइटर दोगे तो पठान से नीचे नहीं होनी चाहिए। भले आप पठान से ऊपर ना हो, आपका एक्शन पठान से नीचे नहीं होना चाहिए। टीज़र देखकर लगा कि भाई वो जो लेवल है ना वो मेंटेन किया गया। टीज़र की अच्छी बात क्या है पता है? टीज़र में अभी तक कुछ नेगेटिव मैंने नहीं देखा, यानी कि कोई नेगेटिव पॉइंट लगा ही नहीं। स्पेशली जब ये आसमान में उड़ने वाले सीन हो, आसमान में जब फाइट करना हो, एरियल सीन हो, आसमान में एक्शन करवाना हो, तब कहीं ना कहीं VFX बड़ी बड़ी फिल्मों में डाउन होता है। ऐसा नहीं है, बॉलीवुड की फिल्म ले लो, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में VFX डाउन होता ही है। जब हीरो को आसमान में उड़ाना हो या फिर प्लेन को आसमान में उड़ाना हो, प्लेन आसमान में फाइट करवानी हो, तो कहीं ना कहीं VFX CGI डाउन होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगा कि भाई यहाँ पर VFX थोड़ा वीक था, CGI थोड़ा वीक था। यह टीज़र की सबसे अच्छी बात है। टीज़र की सबसे अच्छी दूसरी बात, तो भाई फिल्म प्रोडक्शन वैल्यू जो है ना टीज़र की, फिल्म की, वो टीज़र पर से ज़बरदस्त लगी। प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी लगी, प्लस ऋतिक रोशन का लुक, हाँ लुक में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन लुक जो है अभी भी वो यंग, डैशिंग, हैंडसम, ज़बरदस्त दिख रहे हैं। एक्शन करते हुए अच्छे लग रहे हैं। दीपिका पादुकोण वो भी कमाल की लगी है। अनिल कपूर का भी छोटा सा झलक, एकाध दो सेकंड का अनिल कपूर का छोटा सा झलक, वो भी चस रहा है। सब के सब प्लान उड़ाएंगे भाई यहाँ पर, अनिल कपूर हो, दीपिका पादुकोण हो या फिर ऋतिक रोशन हो, सब लोग प्लान उड़ाने वाले हैं। और आसमान की फ़ाइट अब देखनी है। हमने ज़मीन पे फाइट तो बहुत देख ली, अब आसमान में फ़ाइट देखनी है। एक दो सीन आपने देखे, एक यूं प्लान जा रहा है ऊपर से, एक यूं आ रहा है, और वहाँ पर जो स्लो मोशन हो रहा है, और अंत वाला तो आप देखो, अंत में जो ऋतिक रोशन जो है प्लेन से बाहर निकलते हैं फ्लैग के साथ, तिरंगे के साथ, वो वाला सीन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर में तालियां और सीटियां बजे इसीलिए रखा गया है। आप देख लेना, वो सीन आएगा थिएटर में, तालियां सीटियां डेफिनेटली बजेगी। BGM अंत में जो बजता है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ज़बरदस्त, रोंगटे खड़े कर देने वाला है, गूज़बम है। तो ओवरऑल टीज़र काफ़ी 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 अच्छा है, परफेक्ट है। अब ट्रेलर आए तब पता चले डिटेल में कि भाई आखिर में स्टोरी क्या हो सकती है, कौन यहाँ पर हीरो है, कौन यहाँ पर दुश्मन है, कौन भारत के सामने है, भारत किससे लड़ रहा है। देखते हैं, ट्रेलर जब रिलीज़ होगा, दिसंबर में ही इसका ट्रेलर लगभग लगभग क्रिसमस के आसपास रिलीज़ होना चाहिए। बाकी आपको कैसा लगा टीज़र, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। धन्यवाद।